सर यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है सर, एक रनर के लिए इससे बेस्ट हॉस्टल मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगा। तो कितना में कितना देना चाहते हैं सर? इसमें 10 में तो 10 ही रख दूंगा सर। ये ज्यादा हो जाएगा? नहीं सर, 10 में 10 ही दूंगा सर। खाने का, ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में तो सर ट्रेनिंग का कोई जवाब नहीं है सर। ट्रेनिंग सूरज कुमार, कहाँ से आप? मखदुमपुर से। मखदुमपुर से? मखदुमपुर से। किसकी तैयारी करने आए? बिहार। बिहार। बताइए कुछ, यहाँ का ट्रेनिंग, यहाँ का खाना, यहाँ का रूम में और ग्राउंड से कितने? हाँ बोलिए। यहाँ से गांधी मैदान है, वहीं पर जाते हैं। ओके, गांधी मैदान का डिस्टेंस यहाँ से 600 मीटर पर? हाँ 600। और यहाँ खाना वगैरह क्या है? खाना पीना सब अच्छा है। हाँ, मेरा नाम राकेश प्रसाद है। ओके राकेश जो, मैं बक्सर से आया। ओके, और हम बिहार से इसकी तैयारी करने के लिए आए। मेरा यहाँ पर रूम बन गया है। खाने का चावल दाल पनीर रोटी सब है। खाने का कोई शिकायत? नो सर। ट्रेनिंग बोल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं सर, ट्रेनिंग होता ही नहीं, बोला जाते हैं ग्राउंड में टाइम पास करने चले। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों को क्या, जो बिहार पुलिस नंबर का यहाँ पे होता है, बिहार पुलिस जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि पटना में कितना, आप कितना चार्ज देते हो यहाँ पे? 45 सौ। और पटना में 5500 रुपये चार्ज है सारे हॉस्टलों के। यहाँ के और वहाँ के 6000 रुपये में क्या डिफरेंस है? खाना है, हमें नंबर 1 मिलता है, ट्रेनिंग नंबर 1 मिलता है, बच्चे बेड सिंगल मिलता है। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं नवादा से आया हूँ। मैं यहाँ पे एक वीक से हूँ, लगभग 1-2 वीक हो गया मेरा। यहाँ पे खाने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है, रहने का भी अच्छा है, और यहाँ से ग्राउंड का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही है। मतलब सारा हॉस्टल बॉयज़ का, गर्ल्स का, सबका हॉस्टल 1 किलोमीटर के दायरे में है सब। और ट्रेनिंग भी भरपूर और खाना भी भरपूर मिलता है। ट्रेनिंग कीजिए और खाइए भी दवा के, और सब हॉस्टल के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खाने का भी व्यवस्था है और रहने का भी व्यवस्था है, ट्रेनिंग भी बेस्ट होता है। और पैसा है बाकी हॉस्टलों का कितना है और यहाँ कितना है सर? और सब हॉस्टलों में मैं पता किया सर, तो लगभग यहाँ तो सर मतलब और सब हॉस्टलों में तो 5500 से स्टार्टिंग ही है सर मंथली। okay. और बाकी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में तो सर काफ़ी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लगभग 17-18 हज़ार रुपये के आसपास स्टार्टिंग में लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं आया सर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज पे करना पड़ा स्टार्टिंग में, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फी हो गया 1500 और 4500 हो गया हॉस्टल चार्ज, जो खाना पीना रहना ये सब। आप खाने का क्या मतलब रिव्यू देना चाहते हैं? बिहार पुलिस के बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, मध्य रिश्त के बच्चे देखेंगे सर। खाने का सर रिव्यू यही देना चाहते हैं सर, क्योंकि सर खाना सबसे पहले रनिंग अगर कर रहे हैं तो सर डाइट तो चाहिए सर, प्रॉपर अगर अच्छा डाइट चाहिए सर। ऐसा नहीं कि सब्जी में पानी न ज़्यादा ये हो गया। और सब हॉस्टलों में देखे हैं सर, जैसे मेरा भाई भी हॉस्टल में रहता है, उसके मुकाबला पे बहुत अच्छा खाना मिलता है सर। एक रनर के लिए इससे बेस्ट हॉस्टल मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगा। तो कितना में कितना देना चाहते हैं सर? इसमें 10 में तो 10 ही रख दूंगा सर। ये ज़्यादा हो जाएगा? नहीं सर, 10 में 10 ही दूंगा सर। खाने का, ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में तो सर ट्रेनिंग का कोई जवाब नहीं है सर। ट्रेनिंग में बोला जाता है क्या होता है? नहीं सर, कोई टाइम पास नहीं होता है यहाँ पे। आप आइए खुद देखिए, आप ट्रेनिंग को सह पाएंगे तो आप अगर टिक जाएंगे तो आपका हो जाएगा, आप आगे निकल जाइएगा, कहीं भी जॉब लग जाएगा आपका। और अगर नहीं टिक पाइएगा तब तो फिर कोई उसका कोई ये नहीं है। 2 दिन डेमो देख लीजिए। हाँ, 2 दिन आगे डेमो देख के चले जाइए, आप क्या होता है टाइम पास होता है या ट्रेनिंग होता है फिर आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं जी सर। आप हाई जंप पे आए थे तो कितना फीट क्लीन करते थे टाइगर? आए तो कभी हाई जंप किए नहीं थे सर, तो आए थे तो 4 फीट ज्यादा था, और अब सर 4-8 क्लियर कर लिए। क्लियर कर लिया, ठीक है, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, ये हमारे गुरुजी हैं, भोजपुर फिजिकल एकेडमी के कोच सर, एनएसजी ट्रेनर हैं सर। बताइए सर, खाना कैसा है? खाना बताएं, खाना तो लाजवाब है जी सर। खाना में स्वाद अच्छा है और ऐसा फील हो रहा है कि घर में बनाया गया खाना है जी। और पनीर की सब्जी है जी सर,
दाल है और मिक्स कर दिया हूँ अभी, अभी दिखेगा बच्चों का प्लेट में दिखेगा। खाना देखिए, एक सिपाही को एक सैनिक को खाना बढ़िया चाहिए, यानी कि स्वाद भी बढ़िया चाहिए, ज़्यादा मसाला भी नहीं चाहिए, दाल में दाल चाहिए, सब्जी में सब्जी चाहिए, चावल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रोटी अच्छा होना चाहिए और टाइम से मिलना चाहिए। अभी देखिए 11 बज रहा होगा अप्रोक्स, हाँ, और बच्चे 11 बजे से खाना खाना शुरू कर चुके हैं और सुबह में जो नाश्ता किए चना वगैरह वो भी पच गया और खाना खा लिए, तो इनको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो मत निश्चित कि हमारे देखिए अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और ये खाना सब खा रहे हैं। बताइए भैया खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। एक बार सबको हाई कर दीजिए। खाना बताइए आप लोग क्या खाने का रिव्यू देना चाहते हैं? बताइए भैया आपको कल आए हैं, बताइए आपका रिव्यू। बहुत अच्छा है खाना, स्वाद भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल के बारे में? हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और सर भी बहुत अच्छे हैं। और ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम लोग का ग्राउंड कितना दूरी पे है? 600 मीटर। जी। और भैया आप खाना? खाना बहुत बढ़िया है भैया, आप बताइए। खाना बहुत बढ़िया है। मुकेश जी बढ़िया है भैया, बढ़िया ऐसा खाना नहीं। आप बताइए सर। बहुत बढ़िया है, जी जी। और ये हमारे विद्यार्थी हैं। खाना कैसा है घनश्याम जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिश्रा जी बोलो, खाना कैसे हैं? सुनो नहीं है, आप बोलिए। चार बार बोले बहुत अच्छा है, यहाँ से ऐसा खाना कहीं मिलेगा ही नहीं। और भैया आप बोलिए खाना का रिव्यू थोड़ा दे दीजिए। ओ भैया आप ठीक है ना? हाँ।